सो गुड मॉर्निंग आप सभी को, कैसे हो आप सब? अभी तो उदास क्यों लग रहे हो सब मुझे? अच्छा, आप में से ज्यादातर बच्चे बाहर से आए होंगे, उनके लिए जयपुर भी एक या राजस्थान भी एक न्यू एनवायरनमेंट होगा। कौन कौन आउट ऑफ राजस्थान से? सब राजस्थान के हो? आउट ऑफ जयपुर? सब जयपुर के हो? तो कमाल हो गया, तो सभी जयपुर से। तो ऐसा तो हुआ नहीं पहले कि कभी सारे बैच में एक ही डिस्ट्रिक्ट से हो। फिर आप इतने उदास क्यों लग रहे हो मुझे? सारे जयपुर के ही रहने वाले हो। चलो आ जाइए। तो आज आपका फाउंडेशन का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है? आप सब दिसंबर वाले स्टूडेंट हैं, आपके पास इनफ टाइम है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अप्रैल। आपके पास इनफ टाइम है कि आप मतलब इजीली सिक्योर कर सकते हो फाउंडेशन के अंदर रैंक, ठीक है? बहुत टफ टास्क नहीं है। जो आप 11, 12 में पढ़ते हो सेम सिलेबस होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है, ठीक है? तो बिल्कुल भी टफ टास्क नहीं है कि आप CMA फाउंडेशन में रैंक ना लाओ। आपको पता होना चाहिए फाउंडेशन में आपकी जो रैंक आती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है, ठीक है? इंटर और फाइनल में लाना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया पर आती है, और ऑल ओवर इंडिया में भी सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की रैंक आती है, ठीक है? 50 तक आपकी रैंक आती है, उसके बाद रैंक नहीं आती है। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम CMA प्रिया सेन। आई हैव कम्प्लीटेड माई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इन 2019 एंड आई एम ऑल इंडिया रैंकर। आफ्टर दैट आई हैव वर्कड इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता फॉर 2 ईयर्स, ठीक है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट में। ऑल यू आर अवेयर अबाउट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता, जो उदयपुर के अंदर है, ठीक है? वो इंडिया की या वर्ल्ड की मान सकते हो आप, सबसे बड़ी माइनिंग कंपनीज के अंदर आती है। जो वेदांता रिसोर्सेज आपकी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी, उसकी क्या है, एक सब्सिडरी कंपनीज है। तो जनरली जो CMAs करते हैं बच्चे, मतलब मैंने जब CMA किया था तो मेरा तो टारगेट ही एक ही कंपनी था कि मुझे उसी कंपनी में जाना था, क्योंकि मुझे माइनिंग सेक्टर में जाने में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन जो 3-4 साल पहले की बात है, अब तो आपकी बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है, जैसे एसेंचर हो गया, ITC हो गया, नेस्ले हो गया, L&T हो गया, उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज भी है। आप किसी भी कंपनी में जाने का अपना टारगेट रख सकते हो, लेकिन आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपने जब जर्नी स्टार्ट की है ना, तो आपके इतने सारे हर्डल्स आएंगे। आपका पढ़ाई का मन नहीं करेगा कभी, आप सोचोगे यार कौन पढ़े, क्या करना है, इतना स्ट्रगल करके। बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, लेकिन जब आप एक टारगेट लेके चलते हो, जो मैं लेके चली थी कि मुझे तो उसी कंपनी में सिलेक्ट होना है। दूसरा टारगेट मेरा था, मैंने कभी अटेम्प्ट के बारे में सोचा ही नहीं। जैसे आप 11, 12 में सोचते हो कि मैं फेल हो गया तो फिर से दे दूंगा, नहीं सोचते हो ना? तो आपको लाइफ में ऑप्शंस तो रखने ही नहीं होते। आप ये लेके चलोगे कि CMA में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, एक ही अटेम्प्ट में करना है, तो आपका अटेम्प्ट नहीं लगेगा। मेरा कोई अटेम्प्ट नहीं लगा था, ठीक है? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऑप्शंस ही नहीं रखे थे, ना मैंने कंपनी को लेके रखा था, ना ही मैंने अटेम्प्ट को लेके रखा था। तो मेरा सब फर्स्ट लेवल पे ही क्लियर हो चुका था। तो आपको भी वही टारगेट लेके चलने हैं, अदरवाइज बहुत बच्चे आते हैं, आप अपने आसपास वालों से भी मैनिपुलेट हो जाते हो, किसी की फेलियर स्टोरी सुनते हो, आपको किसी से कोई एडवाइस नहीं लेनी है, ठीक है? आपको यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा आपको उसी पे फोकस रखना है, करेक्ट? तो हम देखेंगे CMA फाउंडेशन का हमारा सिलेबस क्या है। आप सब जब CMA करने का सोचा है तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होगी, ठीक है? कि आपके फाउंडेशन में कितने पेपर होते हैं? टोटल 4 पेपर होते हैं। पहला होता है आपका बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन का, सेकंड पेपर होता है आपका FA एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का, फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग तो आप लोग 11, 12 में पढ़ते हो, कॉस्टिंग आई थिंक वहाँ पे नहीं आती, वो आपके लिए न्यू होगा। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिक्स, पेपर 3 में आपके 2 पार्ट है, एक मैथ वाला और एक स्टेट्स वाला। पेपर 4 में आता है आपका इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। मैं आपको पढ़ाऊंगी पेपर 4 जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और इसका पेपर पैटर्न देखते हैं। देखिए, आपकी जो फाउंडेशन लेवल पे एग्जाम होता है पूरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है आपके MCQs आएंगे, आपको आंसर राइटिंग किसी भी पेपर में नहीं करनी है। इंटर और फाइनल में अलग है, आपका सब्जेक्टिव होता है, वहां पे थोड़े से MCQs आ जाते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपका कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। हर पेपर में आते हैं आपके 50 MCQs, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होता है आपका 2 मार्क्स का, तो आपका हर पेपर कितना हो गया, 100 मार्क्स का।
तो टोटल आपके जो मार्क्स है वो कितने हैं, 100 मार्क्स। अब आपको पास करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पास करने के लिए आपको सिर्फ 50% मार्क्स लाने होते हैं, 200 मार्क्स, ठीक है। 200 मार्क्स आ गए तो आप हो गए पास। तो हम पास के लिए तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो रैंक के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको हर पेपर क्वालिफाई करना है तो वहाँ पे मिनिमम मार्क्स भी 40% लाने होते हैं। जैसे 100 में से 40 मार्क्स आपके सब में आना चाहिए, ये तो बहुत इजीली आप अचीव कर लोगे, ये 200 मार्क्स भी आप बहुत इजीली अचीव कर लोगे, ठीक है। हम इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सिलेबस में देखिए, जो पहला पेपर है आपका बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का, आपका कितना मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। आपका डिवाइडेड है, 80% तो आपका लॉ का पार्ट और 20% है आपका कम्युनिकेशन का पार्ट। तो आप सब में जो आपके 50 MCQs आएंगे ना, उसको इस पेपर में 80-20 में डिवाइड कर लो, ठीक है। मतलब कितने हो गए, 40 और 10, ठीक है। तो 40 MCQs आएंगे आपके बिजनेस लॉस के और ये आएंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के। इसके बाद आपका ये फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये कैसे डिवाइड है, 70 और 30 में। मतलब 50 का 70 कितना हो गया, 35 MCQ आएंगे आपके अकाउंटिंग के और बाकी 15 किसके आएंगे, आपके कॉस्टिंग के। इसमें आपके बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेट, मैथ से कुछ बच्चों को डर लगता है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका स्टेट का पार्ट ज़्यादा है 60% का, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके 20 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी जो मैथ पढ़ाते हैं। स्टेट आपके लिए आई थिंक नया सब्जेक्ट होगा, ठीक है, स्टेट इतना टफ नहीं होता है, ईजी होता है। उसके बाद ये वाला पार्ट मेरा है, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, जो है हमारा 70% का। मतलब आपका जो पेपर 4 होगा, जहाँ पर 50 MCQs आएंगे, उसमें से 35 MCQs तो आते हैं आपके इकोनॉमिक्स वाले, बाकी 15 जो बच्चे कहाँ से आते हैं, मैनेजमेंट वाले आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें सिलेबस में क्या है। पहले तो आप लोग बताइए, आप सब इंग्लिश मीडियम से है या कोई हिंदी मीडियम से भी है? आप हिंदी मीडियम से हो, आप भी हिंदी मीडियम से, और सब कॉलेज में कौन कौन है, आप सब 12th के बाद आए हो, कॉलेज में तो एडमिशन लिया होगा, सब प्राइवेट वाले हो, सब प्राइवेट। आपके इसमें जैसे बीजेपी की लहर नहीं चलती, वैसे चली है, सब जयपुर के हो, सब प्राइवेट वाले हो। चलो देखिए, तो हमें अधिकतर स्टूडेंट जैसे आप सब तो प्राइवेट कर रहे हो, जो प्राइवेट नहीं है, जो रेगुलर की डिग्री लेना चाहते हैं और उन्होंने अगर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो आपको कॉलेज जाने की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। मैं भी महारानी कॉलेज से पास आउट हूँ, मैं कभी कॉलेज नहीं गई, ठीक है, कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो कॉलेज भी जाए और अपनी क्लासेस भी अटेंड करे। तो आपके वहाँ पर जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनसे बात कर लीजिए, वो आपको रिलीव मतलब रिलीव दे देते हैं कि आपको रोज कॉलेज आने की नीड नहीं है। मैं अभी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ LLB की, मैं अभी भी कॉलेज नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता दो चीज़ें मैनेज करना। तो यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट हैं, सब कॉलेज स्टूडेंट हैं, कोई भी कॉलेज नहीं जाता है। तो आपको कॉलेज जाके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है, मुझे भी पता है, ठीक है। BCom की डिग्री से कुछ नहीं होता, ना ही MCom की डिग्री से कुछ होता है। आपको जॉब चाहिए तो आपको प्रोफेशनल डिग्री लेनी ही लेनी पड़ेगी। और आप तो सब रेगुलर मतलब प्राइवेट वाले हो, जो रेगुलर वाले हो वो कभी एक दो दिन कॉलेज जाते हैं, उनको मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे सारे वही लोग आते हैं जो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर ही नहीं रहे, तो फिर उनको लगता है यार कॉलेज लाइफ मिस नहीं करनी है, तो फिर वो कॉलेज लाइफ में ही फंस जाते हैं, ठीक है। वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप 3 साल कॉलेज वाले एंजॉय कर लो, बाद वाली लाइफ ख़राब कर लो, या इन 3 साल में आप स्ट्रगल कर लो तो बाद वाली लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे पेपर 4 जो कि है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का। इकोनॉमिक्स में देखिए हमारे 4 चैप्टर है, पहला है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट हमारे इस मॉड्यूल का सबसे बड़ा चैप्टर है। बेसिक कंसेप्ट में देखिए हमारे क्या क्या आएंगे, जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। एक तो आता है कि ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स कैसे हुआ था। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब है आपकी इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, किस किस में, माइक्रो एंड मैक्रो। तो वो पढ़ते कि माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइडेशन कैसे हुआ, उसके बाद कौन कौन से इकोनॉमिस्ट ने आके कौन कौन से थ्योरी दी है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। तो सोशल वाली पढ़ेंगे, वेलफेयर वाली पढ़ेंगे, वेल्थ वाली पढ़ेंगे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन होते हैं, जो एडम स्मिथ की थ्योरी पढ़ेंगे। जॉन मेनार्ड किन्स कैसे आए थे, उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्यों कहा गया, वो पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा पूरा बेसिक वाला पार्ट।
उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, या इसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम डिमांड और प्राइस में कैसे रिलेशन होता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, और आपके कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी डिमांड को इम्पेक्ट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, ये पूरा का पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड। ये इसी बेसिक कंसेप्ट के अंदर इंक्लूड है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, जो जस्ट इसका क्या होता है, रिवर्स होता है, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें एक आता है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अभी हम सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में देखेंगे कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो आपको पता है कितने होते हैं, चार। सब इकोनॉमिक्स से हो ना, 11th 12th में, आप नहीं हो, और आप भी इकोनॉमिक्स से नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम चैप्टर कवर करेंगे, अभी आप ओवरव्यू देख लीजिए, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरी बेसिक चीज़ों से ही पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम देखेंगे हमारे जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है आपको किसी भी चीज़ को बनाने के लिए किस किस चीज़ों की जरूरत होती है, तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हम देखेंगे किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने से, ये चैप्टर दोनों लिंक होते हैं और ये वाले चैप्टर दोनों लिंक होते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ कॉस्ट लिंक होते हैं। थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर हम ये देखेंगे किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने से कौन कौन सी कॉस्ट इनकर्ड होती है। तो आपको पता है दो टाइप की कॉस्ट होती है, जो बेसिक सेग्रीगेशन होता है, बाइफर्केशन, कौन कौन सा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, और भी दो तीन टाइप की कॉस्ट होती है, वो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में हमारे हो गए टोटल कितने, पांच टॉपिक। कौन कौन से? एक तो जो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है वो वाला, एक हो गया थ्योरी ऑफ डिमांड, एक हो गया थ्योरी ऑफ सप्लाई, एक हो गया थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, एक हो गया थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ये हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके बाद पढ़ेंगे हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास किस किस टाइप के मार्केट होते हैं। मार्केट एक तो नेशनल इंटरनेशनल होता है, वो तो अलग बात है, एक लोकल मार्केट होता है, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा मार्केट होते हैं दो टाइप के, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में और अदर मार्केट होते हैं, कौन कौन से? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली होता है, उसके अंदर एक ड्यूपोली मार्केट होता है, और एक क्या होता है, मोनोपोली मार्केट। तो ये चार पांच टाइप के मार्केट होते हैं, वहाँ पे कितने बायर्स होते हैं, कितने सेलर होते हैं। और जो मेन चीज़ हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, वो ये पढ़नी है कि इन सभी मार्केट में किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। मनी एंड बैंकिंग में हम पढ़ेंगे मनी का इवोल्यूशन या ओरिजिन क्यों हुआ था, क्योंकि मनी से पहले कौन सा सिस्टम चलता था आपका, बार्टर सिस्टम चलता था। मनी तो बाद में बनी है, करेंसी बाद में बनी है, मनी का इवोल्यूशन क्यों हुआ था, कौन कौन से बार्टर सिस्टम के ऐसे ड्रॉबैक थे जिनको कंप्लीट करने के लिए हमने मनी को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैंकिंग। बैंक आपको पता है अपने आसपास वाले जो भी बैंक है, उसमें एक सेंट्रल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है, शेड्यूल बैंक होते हैं। बैंक के काम क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद आता है ये थ्योरी वाला चैप्टर, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी और किसी भी बिजनेस को इम्पेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेनली दो फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर वो सारे फैक्टर होते हैं जिसको कोई भी बिजनेस या इकोनॉमी क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। जैसे मेरी कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये मेरे कंट्रोल में, मैं उसको निकाल दूंगी तो मेरा प्रोडक्शन लेवल ठीक हो जाएगा। ये होता है इंटरनल। और बाकी फैक्टर होते हैं आपके एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो फैक्टर होते हैं जिसको कोई भी बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। इसमें हम देखेंगे पांच फैक्टर, पेस्टल जिसको एनालिसिस बोलते हैं। पेस्टल का मतलब होता है, पांच नहीं छह हो गए, ठीक है। कौन कौन से पॉलिटिकल फैक्टर है जो किसी भी बिजनेस को इम्पेक्ट करते हैं, कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर है जो बिजनेस को इम्पेक्ट करते हैं, कौन से सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल और लीगल है। ये सारे छह फैक्टर कौन डिसाइड करता है, या तो आरबीआई डिसाइड करेगा या हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, आरबीआई ने डिसाइड कर दिया, तो आप अपने इन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कौन से फैक्टर होगा आपके, एक्सटर्नल फैक्टर जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होते हैं, इंटरनल फैक्टर वो होते हैं जो आपकी विद इन द रेंज होते हैं जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें सिर्फ पांच चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ लग रहा है कुछ होगा इन चैप्टर में, इतना खास तो होगा लेकिन टफ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स नॉन इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हैं, देखिए इकोनॉमिक्स आपका पूरा फंडामेंटल सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपको कुछ भी रटने की नीड नहीं है, सब कुछ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो हम स्टडी भी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे।
और दूसरी बात, जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, सब्जेक्टिव में तो क्या होता है, कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही सकते हो, ऑब्जेक्टिव में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एक ही जगह आपने बी लगा दिया तो आपको पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है, कोई भी डाउट हो कितना भी छोटा हो आपको क्लास में पूछना है। आपको ये नहीं सोचना सबको आता है मुझे क्यों नहीं आया, ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं आता, सब जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है, ठीक है। पढ़ने में शर्म करते हैं तो फिर वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। कितना भी छोटा डाउट हो आपको क्लास में पूछना है, भले ही सबको आ चुका हो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सौम्य, रेगुलर या ओपन से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, आप में से भी जिन स्टूडेंट को अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो बेटर है आप एडमिशन ले लो, भले ही आप कॉलेज ना जाओ, ठीक है, क्योंकि डिग्री आपकी क्या होती है, रेगुलर वाली मिल जाती है। तो आपको भी अगर गवर्नमेंट में से कॉमर्स में जाओगे, महाराजा में तो कोई जाएगा नहीं, कॉमर्स कॉलेज में मिल रहा है तो आप क्या उसमें एडमिशन ले लेना, भले आप कॉलेज मत जाना। अदरवाइज दूसरे कॉलेज की फ़ीस क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, आपको कॉलेज जाना भी नहीं है फिर भी आप फीस जमा करा देते हो, तो जिनके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं इजीली वो ले लो, क्योंकि आपको रेगुलर की डिग्री मिल जाएगी, पर इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। अगर ऐसा आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप ओपन से ही दो, प्राइवेट ही दो, आपको फालतू फीस वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट बना ही कैसे, और आपको या मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने की नीड ही क्यों है। क्योंकि देखिए आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स देखेंगे वहां पे इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, सीए सीएस सीएमए हो गया, एमबीए हो गया। आइए मानस, कहाँ थे आप, लेट कैसे हो गए, घर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स में हम ये देखेंगे हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है, क्या बेनिफिट है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमारी डिसीजन मेकिंग बढ़िया हो जाएगी। वहां तक पहुंचने से पहले हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस दो ही क्यों बनी, माइक्रो एंड मैक्रो। देखिए सबसे पहले जो बुक आई थी, और आपको इससे पहले मैं एक और बात बताती हूँ, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले मतलब जब आप एडी वगैरह लिखते थे पीरियड के पहले भी, उस समय तक किसी भी सब्जेक्ट का डिवाइडेशन नहीं था। पहले जब आपके गुरुकुल होते थे ना, वहाँ पे स्टडी कैसे होती थी, सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए जा रहे थे, आपका ना तो इकोनॉमिक्स अलग था, ना हिस्ट्री अलग था, ना सोशोलॉजी अलग था, ना ज्योग्राफी अलग था, सबकी एक ही बुक बनी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी चलती थी। जैसे जैसे हम लोग समझदार होते गए या सिविलाइज होते गए, आपने पढ़ा होगा सिविलाइजेशन की प्रोसेस, तो हमने समझना स्टार्ट किया कि कुछ एरियाज अलग होते हैं जिनको हम मैनेज करके रख सकते हैं, इसलिए उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए सोशियोलॉजी को अलग बना दिया, हिस्ट्री को अलग बना दिया, केमिस्ट्री को अलग बना दिया, ज्योग्राफी को अलग बना दिया, इकोनॉमिक्स को अलग बना दिया, सारे सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया गया। किस लिए किया गया, कि किसी एक पर्सन को हिस्ट्री पढ़नी है तो वो सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी क्यों पढ़े, किसी को इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो हिस्ट्री क्यों पढ़े। इसलिए आप देखोगे कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, वो हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, ज्योग्राफी में ही पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में ही पढ़ोगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो टॉपिक सबसे रिलेटेड है। पहले जब एक बुक थी सारे सब्जेक्ट की तब तो वो कॉमन में चलता था, लेकिन बाद में कौन से सब्जेक्ट में इस टॉपिक को डाले। जैसे एक टॉपिक होता है आपका वर्ल्ड वॉर वाला, वर्ल्ड वॉर आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट हर एरिया पे पड़ता है। ज्योग्राफी पे भी पढ़ा था, हिस्ट्री पे भी पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर या वॉर जब भी होती है तो मनी का सर्कुलेशन जो होता है या इकोनॉमी जो होती है जिस कंट्री के साथ होता है वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाती है, उसके बाद उसे खुद को क्या करना पड़ता है, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। इसलिए किसी भी एक फैक्टर का इम्पैक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो उसको क्या करते हैं, हम सब सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे एक और आपका टॉपिक होता है डेमोग्राफी, क्या होता है डेमोग्राफी, बताइए लाइव वाले बच्चों में से भी डेमोग्राफी क्या होता है, क्योंकि ये आपका सोशियोलॉजी में भी आता है, हिस्ट्री में भी आता है,
इकोनॉमिक्स में भी आता है और ज्योग्राफी के अंदर भी आता है। किसी को नहीं पता डेमोग्राफी? हिंदी में इसका मुझे नाम नहीं याद है कि क्या होता है, क्योंकि मैं बता दूं मैं खुद ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम से थी, उसके बाद मेरी सीएमए में ऑल इंडिया रैंक आई थी। तो कुछ भी टफ नहीं होता है अगर आप मेहनत कर लोगे तो, ठीक है। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या, अक्षय सर को आप जानते होंगे, अक्षय सर खुद हिंदी मीडियम से रहे, उनकी भी ऑल इंडिया रैंक थी, ठीक है। अब बताइए डेमोग्राफी क्या होता है। देखिए डेमोग्राफी का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर आपको सेग्रीगेशन करना है, एक तो अकॉर्डिंग टू एज। आपने नहीं देखा कि हमारी कंट्री में 0 से लेके 18 इयर्स तक इतने बच्चे हैं या इतने लोग हैं, 18 to 35 इतने हैं, 35 अबाउ इतने लोग हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। इतनी वुमन से, इतने मैन से, इतने चिल्ड्रन हैं। जब पॉपुलेशन का डिवाइडेड एक तो हो जाता है आपके किसी के जेंडर के अकॉर्डिंग और दूसरा एज के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी वाला कंसेप्ट आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, सोशियोलॉजी में पढ़ोगे और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि इकोनॉमिक्स इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है, ये क्वेश्चन तो हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपका 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, पहला वर्ड है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। अर्थ का मतलब आप वो नहीं समझोगे कि इसका अर्थ ये होता है, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। अर्थ का मतलब होता है मनी, मनी या मीन को क्या बोलते हैं, अर्थ। शास्त्र को बोलते हैं स्टडी, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम मनी के बारे में स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र, और उसी का नाम क्या हो गया, इकोनॉमिक्स। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में हम वो सारी एक्टिविटीज देखेंगे जो किससे रिलेटेड है, अर्निंग ऑफ मनी या स्पेंडिंग ऑफ मनी। अब देखना हम जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे अल्टीमेटली आप खुद उसको एनालिसिस कर लेना, जो भी टॉपिक या जो भी फंक्शन पढ़ेंगे या फैक्टर पढ़ेंगे उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पे आ रहा होगा, मनी पे ही इम्पैक्ट आ रहा होगा। कोई पॉलिसी भी पढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट कर रही होगी, मनी के सर्कुलेशन को ही इम्पैक्ट कर रही होगी। इसका मतलब अगर किसी भी फैक्टर में या कंसेप्ट में मनी वाला फैक्टर इन्वॉल्व है ही नहीं तो वो फैक्टर हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते ही नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम जब भी कोई भी कंसेप्ट पढ़ेंगे तो या तो अर्निंग ऑफ मनी से रिलेटेड होगा या स्पेंडिंग ऑफ मनी से रिलेटेड होगा ही होगा। अब इकोनॉमिक्स के जो फादर की बात होती है वो बोलते हैं हम एडम स्मिथ को, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए एडम स्मिथ थे एक फिलोसोफर या इकोनॉमिस्ट। फिलोसोफर होता है जो, मतलब फिलोसोफर का मतलब होता है ऐसे बोला जाए तो जो विजडम को लव करता है, ठीक है, जिसको पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो ये फिलोसोफर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी, किसको नाम याद है बुक का, लाइव वाले बच्चे ही बताएंगे, वेरी गुड एल्विन, डेमोग्राफी मतलब डिस्क्राइब द पॉपुलेशंस। 1776 में एडम स्मिथ ही ऐसे पर्सन थे जिसने इकोनॉमिक्स के ऊपर एक अलग से बुक लिखी थी, उससे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में कोई बुक नहीं लिखी गई थी। वो अलग बात है, इंडिया में इससे पहले भी एक पर्सन थे जो चाणक्य या कौटिल्य थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिख दी थी, लेकिन उसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में कंसिडर नहीं करते। हम पढ़ते कहाँ से हैं, एडम स्मिथ के यहाँ से, 1776 में। बताओ जो 12th से आए, वेरी गुड, बुक का नाम है एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसको अभी बहुत लंबा नाम लग रहा है तो वो इस वेल्थ ऑफ नेशन भी याद रख सकता है, ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा। तो 1776 में इकोनॉमिक्स के ऊपर जो सबसे पहले सिस्टमेटिक वे में एक पर्सन ने बुक लिखी थी वो एडम स्मिथ थे। उन पर्सन का नाम था एन इंक्वायरी, उस बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में उन्होंने एक टर्म दी थी, लेजेस फेयर,
देखिए इसी टर्म के ऊपर जो भी बाद में हमारी इकोनॉमिक्स बनी है, इकोनॉमिक्स मतलब आपकी तीन टाइप की इकोनॉमिक्स होती है किसी भी कंट्री की, कौन कौन सी, कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है और मिक्स्ड होती है, कि जो तीनों इकोनॉमी बनी है इसी वर्ड के बेसिस पे बनी है। तो लेसेस फेरे का मतलब क्या होता है बताइए कोई, जिन्होंने पहले पढ़ा है कभी, गवर्नमेंट कंट्रोल है या नहीं। देखिए लेजर्स फेरे का मतलब होता है, एडम स्मिथ ने बोला था किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना है। गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना है तो फिर उन्होंने क्या सजेशन दिया कि मार्केट अपने आप को रेगुलेटेड कर लेता है। कैसे करता है, दो फोर्सेस के बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई। लेजर्स फेरे का मतलब होता है गवर्नमेंट will not intervene into market market are self regulated by two forces that is demand and supply। जैसे आपको, आप अभी स्टूडेंट हो, जैसे आपको कोई बोल दे कि इस बच्चे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे, अपने आप खुद को डिसिप्लिन करके मैनेज करके खुद से चलता रहेगा, ऐसा पॉसिबल है? अभी नहीं, जब आप बड़े भी हो जाओगे। देखिए लाइफ में हमको सबको, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कोई ना कोई चाहिए ही होता है सही से गाइडेंस देने के लिए। यहाँ पे इन्होंने जो लेजर्स फेरे टर्म दी थी, इन्होंने तो क्या बोल दिया, मार्केट में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना ही नहीं है, मार्केट खुद को रेगुलेटेड करता रहेगा अपने आप। कैसे करेगा, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उस टाइम में बहुत लोगों ने इस थ्योरी को चैलेंज किया था लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। 1929 में आया आपका ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, क्या है ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, एनीबॉडी हैव आइडिया। देखिए ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था बेसिकली यूएसए के अंदर, क्योंकि एडम स्मिथ ने पहले ही बोल दिया था किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना ही नहीं है, तो कोई भी मार्केट, कोई भी इकोनॉमी में कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर ही नहीं रही थी। लेकिन 1929 में ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आ गया। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड का मतलब होता है किसी भी इकोनॉमी में कमोडिटी की डिमांड ही नहीं होना। ठीक है, अब आपको एज ए पॉइंट ऑफ व्यू प्रोड्यूसर के सोचना है, आप एक प्रोड्यूसर हो, किसी भी इकोनॉमी में अगर कंज्यूमर डिमांड ही नहीं करेंगे तो आप प्रोडक्शन करोगे क्या। सेलर या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कब करता है, जब सामने कोई खरीदने के लिए आता है, जो चीज़ में मार्केट में मैं खरीदना ही नहीं चाहूँगी सामने वाला प्रोडक्शन क्यों करेगा। तो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में यही हुआ था, लोगों ने डिमांड ही नहीं की, डिमांड नहीं की तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो ना तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ हो रहा था ना ही इनकम का सर्कुलेशन हो रहा था। इनकम का सर्कुलेशन कैसे होता है, एक तो होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई। डिमांड जब भी देखनी है आपको देखनी है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप सब कंज्यूमर बन जाना, और जब सप्लाई देखोगे तब प्रोड्यूसर। ठीक है, तो जब कंज्यूमर डिमांड करते हैं तभी सप्लायर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अगर कंज्यूमर ने डिमांड कर दी, सप्लायर ने प्रोडक्शन कर दिया, कंज्यूमर इनसे जाके वो कमोडिटी खरीद लेते हैं, कमोडिटी खरीदेंगे तो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, मनी का सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था तब उसके पास डिमांड ही नहीं थी, तो डिमांड नहीं थी तो प्रोड्यूसर ने या सप्लायर ने सप्लाई ही नहीं की। जब प्रोड्यूसर सप्लाई ही नहीं करेगा, कमोडिटी का सेल ही नहीं करेगा तो मनी का सर्कुलेशन कैसे होगा। तो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में हो गई थी यूएसए की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स। अब फिर लोगों ने क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट किया, आप भी करोगे, सिंपल सी बात है, अगर ये थ्योरी इतनी सही थी लेजर्स फेरे वाली तो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आना ही नहीं चाहिए था। जैसे आपको कोई बिल्कुल सही तरह से गाइडेंस दे दे कि तुम्हें लाइफ में ये करना है, यूनिवर्सल रूल है, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें श्योरली सक्सेस मिल जाएगी, आप जब तक उसको फॉलो करते जाओगे, जब आप फेल हो जाओगे ना तब आप उस पर क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट करोगे। ठीक है,
इसका मतलब क्या था, वो थ्योरी यूनिवर्सल नहीं थी। इसलिए आपको बोला जाता है आपको कभी भी किसी और की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी होती है। कुछ लोग रात को जाग के पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर आप सोचते हो हाँ रात को सही है, ना तो किसी का फोन आता है, ना घर वाले डिस्टर्बेंस करते, मैं भी रात को पढ़ूंगी, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप किसी को फॉलो करने की कभी कोशिश मत कीजिए। आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह पढ़ लो, आपको दिन को लगता है, दिन को पढ़ो। सबकी सक्सेस की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इन्होंने जो लेजिस फेयर वाली टर्म दी थी, इसका मतलब यूनिवर्सल नहीं है। जो भी लो यूनिवर्सल होता है वो हमेशा एप्लीकेबल होता है। जैसे आपने लो ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा तो होता है। अगर ये भी इतना यूनिवर्सल होता तो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आ गया। तो उसके बाद आए थे जॉन मैनार्ड किन्स। तो जॉन मैनार्ड किन्स ने एक बुक लिखी फिर वापस, उस बुक का नाम क्या था याद है किसी को? और बाकी किसी को जो जिनकी आज फर्स्ट क्लास है? वेरी गुड एल्विन सलोनी, हाँ निशा ने सही आंसर दिया कि ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाता है, मतलब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होता है। तो अगर लोगों के पास रोजगार नहीं होता तो आपने जो चीज़ें पहले से एक्वायर कर रखी है, लोन लेके ले रखी है, तो आप लोन का रीपेमेंट भी नहीं कर पाते हो। तो जो यूएसए में क्या हुआ था, लोगों ने लोन का रीपेमेंट भी नहीं किया था, तो वहाँ का बैंकिंग इंडस्ट्री भी पूरी तरह क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। तो हम यहाँ पे आ गए। तो जॉन मैनार्ड किन्स ने ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के बाद एक बुक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ये लेजर्स वगैरह वाली टर्म हमेशा काम नहीं करेगी, कभी कभी मार्केट में एबनॉर्मल सिचुएशंस अराइज हो सकती है, उन कंडीशन में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन मार्केट में करना ही करना चाहिए। तो जब ये ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था और जब ये थ्योरी इन्होंने दी थी, 1933 या 36 की बात है, 33 लिख देते हैं, तो 1933 में देखिए जस्ट इसके बाद आई थी चार साल के अंदर, जब 1933 में ये बुक लिखी गई, 36 तो एक बार कंफर्म देख लेंगे, 1933 थी 36, आपसे ईयर नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे बुक का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लेंगे, 36 भी ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला जॉन मैनार्ड किन्स ने, कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आएगी मार्केट में कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा, मार्केट हमेशा खुद को रेगुलेटेड नहीं कर सकता डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना और नहीं करना, इससे आप लोग क्या समझ रहे हो, दोनों थ्योरी किस पे बेसिस है? बस एक ही डिफरेंस है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि जॉन मैनार्ड किन्स ने, एडम स्मिथ ने तो बोला था नहीं करना है, और जॉन मैनार्ड किन्स ने बोला था करना है। अब ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या चीज है, कौन बता सकता है, हैंड रेस करो बस, ठीक है, 1936 ओके, हैंड रेस करके बताइए कौन बता सकता है व्हाट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि दोनों थ्योरी में उन्होंने जो थ्योरीज में डिफरेंशिएट किया था वो इसी बेसिस पे किया है, उस वाले में नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है। आप बताइए हमारी कंट्री में गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी में इंटरवेंशन करती है या नहीं करती है? करती है, कैसे करती है? हाँ एक तो टैक्स भी हो सकता है, और वेरी गुड पॉलिसीज बनाती है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड करती है, और आप में से किसी ने रेट्स भी बोला था ना, इंटरेस्ट रेट किसने बोला था, एक आरबीआई भी तो करता है इंटरवेंशन, अभी मैं आरबीआई को गवर्नमेंट के अंदर ही मान लूं, ठीक है। और बताइए, हाँ वो पॉलिसीज के अंदर आ गया। देखिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, आपका जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो होता है पॉलिसीज या एक्सपेंडिचर इनकर्ड करके। गवर्नमेंट को जब भी लगता है कि ये सोसाइटी या ये क्लास पूरी तरह अंडर डेवलप है तो उनके डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है। दूसरा, अगर मार्केट में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, तो आपने देखा होगा एक एमजी नरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
ठीक है। तो एमजी नरेगा क्या करता है, लोगों को 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। तो ये सब क्या होता है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन करने के तरीके होते हैं। एक एक्सपेंडिचर भी होता है, गवर्नमेंट को कोई बिल्डिंग बनवानी है, ब्रिज बनवाना है, हाईवेज बनवाना है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, एयरप्लेन बनवाने हैं या कोई राफेल की डील करनी है, जेट विराज खरीदना है। इन सब में क्या होता है, जब भी हम ऐसी डील्स करते हैं, ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं, तो लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अल्टीमेटली इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, कौन सी वाली, ये ग्रेट डिप्रेशन पीरियड वाली। यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन पीरियड क्यों, क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में। आपको करना क्या, अल्टीमेटली डिमांड जनरेट करनी है। डिमांड जनरेट करने का सबसे इजी तरीका कौन सा है, लोगों के पास पैसा हो, ठीक है। लोगों के पास पैसा होगा तो अपने आप डिमांड जनरेट हो जाएगी। दो तरीके होते हैं, एक तो गवर्नमेंट फ्री में बांट दे, नोट प्रिंट करे और लोगों को फ्री में दे दे। क्या कोई भी समझदार इंसान ये तरीका यूज करेगा, क्योंकि आपको इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, लोगों के पास पैसा होना चाहिए। तो क्यों हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, इजीली पैसा बांट दो ना लोगों को, क्यों नहीं करते हमें वैसा। हाँ, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा और हम एक लेजी क्लास को डेवलप करेंगे, ठीक है। लोग आलसी हो जाएंगे, फिर वो काम ही नहीं करना चाहेंगे। दूसरा, आप किसी को ईजिली पैसा दे दोगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो लोग डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे, और जब डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे तो कमोडिटी के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। एक बार जिम्बाब्वे ने ऐसा ही किया था, जिम्बाब्वे वो छोटी सी कंट्री है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, प्रिंट करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट कर ली और लोगों को बांट दी। तो वहाँ पे जैसे आपको हमारे सारे एग्जांपल देते थे, अगर आपको चाय भी खरीदने जाना है तो आपको एक बोरा लेके जाना पड़ेगा, उसमें नोट भरे हुए बहुत सारे। इसका मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। क्यों हुई है, क्योंकि सबके पास बहुत सारा पैसा है, सबके पास बहुत सारा पैसा है तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो कमोडिटी की प्राइस भी क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हाई हो गए। इसलिए गवर्नमेंट कभी भी जब ऐसे सिचुएशन होती है ना, तो सब्सिडी पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, ना ही फ्री में पैसा देती, वो क्या करती है, डेवलपिंग एक्टिविटीज़ करती है। डेवलपिंग एक्टिविटीज़ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्चा करती है, लोगों को रोजगार मिलता है, या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज बना देगी, वहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगी। वो जो सैलरी और वेजेस का पैसा जाएगा, उसका यूज़ किस लिए करेंगे, वो डिमांड के लिए करेंगे। फिर डिमांड के लिए जब वो डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर क्या होगा, प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट होगा। तो डिमांड और सप्लाई वाला सर्कल आपका वापस रन होगा और मार्केट में मनी सर्कुलेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थ्योरी किसने दी थी, जॉन मैनार्ड किन्स ने। जॉन मैनार्ड किन्स ने बोला था, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है। अब आप बताइए, ये थ्योरी तो आई थी बाद में, पहले कौन सी थ्योरी आई थी, एडम स्मिथ वाली। तो जो भी चीज़, अब आपके यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आता है फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, अभी मैं सब नोट करवा दूंगी, आप बीच में नोट मत कीजिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न का मतलब होता है जो चीज अभी आई है, और क्लासिकल का मतलब होता है जो चीज पुरानी होती है। तो फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे, एडम स्मिथ को बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो बुक लिखी थी वो तो उन्होंने ही लिखी थी। तो एडम स्मिथ को इसलिए बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स पे जो सबसे पहले एक मैनेज्ड बुक लिखी थी वो इन्होंने लिखी थी। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है जॉन मैनार्ड किन्स को, क्योंकि इनकी थ्योरी को चैलेंज करके जो नई बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, वो इन्होंने लिखी थी और इन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी होता है। इसलिए फादर ऑफ क्या हो गया आपका, मॉडर्न इकोनॉमिक्स हो गया, जॉन मैनार्ड किन्स। अब देखिए यहाँ पर आइए, ये जो पीरियड था 1936, से पहले इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही सिचुएशन होती थी, ये वाली लेजेस फेरे वाली। अब आप लोग बताइए, जब किसी भी एरिया में सिर्फ कोई एक ही चीज होगी तो वहां पे ब्रांचेस डिवाइडेड हो सकती है क्या, कहीं भी हम ब्रांचेस या डिवाइडेशन तो तभी देखते ना जब वहां पे दो ओपिनियन होते हैं। इससे पहले तो दो ओपिनियन थे ही नहीं, एक ही ओपिनियन था कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना ही नहीं है। तो क्या इससे पहले माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइडेशन हो सकता है क्या, नहीं हुआ। आपका माइक्रो एंड मैक्रो का डिवाइडेशन ही कब हुआ, 1936 के बाद, जब इन्होंने अपना दूसरा ओपिनियन फॉर्म किया। इसलिए इन्होंने, जॉन मैनार्ड किन्स ने क्या बोला था, मार्केट में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात की थी,
और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वेलफेयर करना, और जब भी आप वेलफेयर का सोचोगे तो आप पूरी सोसाइटी को साथ में लेके चलोगे। इसलिए यहाँ पे फोकस किया था एग्रीगेट लेवल के ऊपर, और एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो। और जो जॉन मेनार्ड किसने बोला था, वो इंडिविजुअल पर फोकस किया था, वो बोलते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपका फोकस करती है सिर्फ एक पर्सन के ऊपर, ठीक है, जो रिच लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है। तो उन्होंने जो डिमांड और सप्लाई वाला कंसेप्ट दिया था वो किसी एक फर्म को फोकस करके, एक बिजनेस पर्सन को फोकस करके कहा था। इसलिए इन्होंने खुद की थ्योरी को तो क्या बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और अपने ही पहले वालों को क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन और हो गए। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन हुए, एडम स्मिथ। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन हुए, जॉन मेनार्ड केन्स। क्लियर है सबको स्टोरी की कैसे डिवाइडेशन हुआ, एक बार वापस बताने की जरूरत है ब्रीफली। आप जो नॉन इकोनॉमिक्स हैं आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिए मैं वापस ब्रीफ में बताती हूँ कि सबसे पहले जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे वो थे एडम स्मिथ। उन्होंने सबसे पहली बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। बुक पे अभी फोकस नहीं करना, बुक अभी फोकस करना है कंसेप्ट पे। उन्होंने एक टर्म दी थी लेजर्स फेयर। तो एडम स्मिथ ने क्या बोला था, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना होता है, जो मार्केट होता है, जो इकोनॉमी होती है, वो अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। लेकिन ये थ्योरी चलती आ रही थी 1776 से लेके 1929 तक। लेकिन 1929 में क्या आ गया, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आ गया। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड का मतलब हो गया, जो एडम स्मिथ ने बोला था कि मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करना है, सब कंट्रीज ने वैसा ही फॉलो किया। उसके बाद भी ग्रेट डिप्रेशन पीरियड क्यों आया, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड का मतलब है मार्केट में लोगों के पास रोजगार नहीं है और मार्केट में कमोडिटी की डिमांड भी नहीं है। तो इसलिए लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि वो पहले वाली थ्योरी इतनी बढ़िया थी, यूनिवर्सल थी, तो कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ गलत हो गया बीच में। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने एक और बुक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में उन्होंने बोला कि मार्केट में कभी कभी गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने एग्रीगेट लेवल की बात की थी, सबको साथ लेकर चलने की बात की थी। माइक्रो का मतलब होता है सिंगल, अभी बाद में नोट करेंगे, और मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट। तो इन्होंने, जॉन मेनार्ड केन्स ने खुद की थ्योरी को बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स और पहले वाली को बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये थ्योरी आई थी बाद में, जो बाद में आती है वो मॉडर्न होती है, जो पुरानी होती है वो क्लासिकल होती है। इसलिए फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन हो गए हमारे, एडम स्मिथ। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन हो गए हमारे, जॉन मेनार्ड केन्स। क्लियर है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। आपको स्टोरी तो सिर्फ ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन नोट करने। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछे आपसे या फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स पूछे, इकोनॉमिक्स पूछे या फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछे, इकोनॉमिक्स पूछे, सबका जवाब एक ही होगा, एडम स्मिथ। बुक रिटन बाय एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स।
और जो हिंदी मीडियम से अगर उनको किसी इंग्लिश वर्ड का मतलब भी समझ में ना आए तो वो पूछ ले क्लास में। आप एग्जाम तो इंग्लिश में ही दोगे ना। बुक रिटन बाय जॉन मैनार्ड किन्स को मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ JMK, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें पीरियड लिखिए, यहाँ पे 1776 आएगा। लेजेस फेरे मीनिंग, लेजेस फेरे का मतलब होता है गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवीन इनटू द मार्केट। मार्केट आर सेल्फ रेगुलेटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। हाँ सोम्य वापस बता देंगे, अभी आप इसको नोट कर लीजिए। लास्ट में लिखा हुआ है फोर्सेस, हो गया सभी का नोट। तो देखिए सौम्य पूछ रहे हैं कि उनको माइक्रो मैक्रो वाला वापस पूछना है, तो आप भी सुन लीजिए। देखिए माइक्रो और मैक्रो का डिवाइडेशन आपका 1936 से पहले था ही नहीं, क्योंकि 1936 के बाद ही आपका दूसरा ओपिनियन आया था इकोनॉमिक्स को लेके। कौन सा ओपिनियन? कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना है। उससे पहले ये बात थी ही नहीं कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना है या नहीं। उससे पहले एडम स्मिथ ने बोला था नहीं करना, सब उसी बात को मान रहे थे। इसलिए 1936 के बाद जब दो ओपिनियन बने, तो दो ओपिनियन बने तो किसी को नाम देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, वरना हम स्टडी कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो जॉन मैनार्ड किन्स थे और जो उनके टाइम के कुछ और इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने फोकस किस पे किया था कि मार्केट में सभी लोगों को साथ लेके चलना है। इसलिए जब आप पढ़ते हो कि सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने की बात जॉन मैनार्ड किन्स ने की थी, तो यहाँ इन्होंने बात की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो और माइक्रो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रोस्कोप सुना है आपने? माइक्रोस्कोप बनाए कैसे? माइक्रोवर्ड से बनाए। माइक्रोस्कोप से आप क्या करते हो? बहुत छोटी से छोटी चीज को देख सकते हो। तो माइक्रो का मतलब होता है जो सबसे छोटी यूनिट होती है। हमारी कंट्री में अगर हम ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो सबसे छोटे यूनिट कौन होता है? इंडिविजुअल, सिर्फ एक पर्सन, ठीक है, वन पर्सन। मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब बहुत सारे लोग या सारे लोग, यहाँ पे होता है एग्रीगेट या कलेक्टिव। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1936 से पहले डिवाइडेशन नहीं था। 1936 के बाद जॉन मैनार्ड किन्स ने अपना एक और ओपिनियन दिया जो एग्रीगेट लोगों की बात कर रहा था, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा था।
इसलिए उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स को बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इससे पहले जॉन मेनार्ड किन्स की थ्योरी थी कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना है, वो सिंगल पर्सन की बात करती थी। गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिस पर्सन को जैसे काम करना होता है वो फ्री होता है, बिल्कुल इसको फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, आपको जैसे प्रोडक्शन करना आप करो, मुझे जैसे प्रोडक्शन करना है मैं करूँ, आपको अपनी कमोडिटी की जितनी प्राइस रखनी है उतनी प्राइस रखूँ, मैं अपनी कमोडिटी की जितनी प्राइस रखूँगी वो रखूँगी। ठीक है, तो कोई आपके आपको ये नहीं बोल सकता कि आपने अपनी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा क्यों रखी है। जनरली हमारे यहाँ पर ऐसा होता है क्या अभी कि मैं कोई कमोडिटी बना रही हूँ और मैं उसकी प्राइस कितनी भी रख दूँ? नहीं रख सकते। दूसरा एक चीज़ तो ये होती है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन ही बहुत ज़्यादा है। अगर मैं किसी भी कमोडिटी की प्राइस हाई कर दूँगी तो मेरे से लोग क्यों खरीदेंगे, किसी और से जाके खरीदेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज भी बना रखे हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा है, वहाँ पे आप चीज़ों के प्राइस इतने ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। अगर आप मोनोपोली सेक्टर में भी हो, किसी ऐसे सेक्टर में हो जहाँ पर सिर्फ सिंगल सेलर ही है, तब भी आप अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। जैसे बीच में हुआ था जियो का एग्जाम्पल, जियो और एयरटेल ने पहले तो कर दी थी बहुत कम प्राइजेस, उसने मार्केट को ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद वो चाह रहा था अपनी प्राइजेस को बहुत ज़्यादा हाई करना, तो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप लोग कार्टल बना के या ग्रुप बना के किसी भी कमोडिटी की प्राइजेस को हाई नहीं कर सकते, क्योंकि किसका एक्सप्लोटेशन होगा? कंज्यूमर का एक्सप्लोटेशन होगा। इसलिए जो एडम स्मिथ ने बोला था वो तो इंडिविजुअल के बेसिस पे बोला था कि आप कुछ भी कर लो आप फ्री हो, लेकिन जॉन मेनार्ड किन्स ने क्या बोला था, आप कुछ भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। तो इन्होंने एग्रीगेट लेवल की बात की थी, इसलिए इसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एडम स्मिथ की थ्योरी को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सौम्य, क्लियर अभी? ये आपके 12th में नहीं था क्या, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी? चलिए ठीक है, हैव ए नाइस डे, कल मिलते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कल।